हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केरेकोस। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे श्यामलाल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में वैकेंसीज आई है। 24/12/2021 को इन वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आया था। 18/1/2022 इन वैकेंसीज की लास्ट डेट है। अब बात करेंगे वैकेंसीज क्या है, कितने लेवल आपकी सैलरी रहेगी, एज क्या रहेगी, कैटेगरी वाइज भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लाइब्रेरियन की वैकेंसीज आई है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसीज आई है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर की वैकेंसीज आई है, असिस्टेंट की वैकेंसीज आई है, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज आई है, एमटीएस लाइब्रेरी की वैकेंसीज आई है, एमटीएस कंप्यूटर लैब की वैकेंसीज आई है। पे लेवल की बात करेंगे, पहली दो वैकेंसीज के लिए आपका पे लेवल 10 रहेगा। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए पे लेवल 6 रहेगा, असिस्टेंट के लिए पे लेवल 4 रहेगा, जूनियर असिस्टेंट के लिए पे लेवल 2 रहेगा और इन दोनों के लिए पे लेवल 1 रहेगा। एज की बात करेंगे, पहली दो वैकेंसीज के लिए आपकी एज 35 ईयर से नीचे होनी चाहिए। 3 और 4 नंबर की वैकेंसीज के लिए आपकी एज 30 साल से नीचे होनी चाहिए। 5 नंबर की वैकेंसीज के लिए 27 साल से नीचे होनी चाहिए और 6 और 7 नंबर की वैकेंसीज के लिए आपकी एज 30 साल से नीचे होनी चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट आप यहां पे देख सकते हो, किस वैकेंसीज के लिए कितनी पोस्ट आई है और यहाँ पे कैटेगरी वाइज पोस्ट को रिवाइज किया गया। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग कर सकते हो, आप इसमें फॉर्म भर सकते हो या नहीं फॉर्म भर सकते। अब बात करेंगे इनकी फीस की कि आपको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी। गाइस, जो फीस है यूआर कैटेगरी के लिए ₹500 आपको नॉन रिफंडेबल फी पे करनी पड़ेगी, ओबीसी कैटेगरी के लिए ₹400 नॉन रिफंडेबल फी पे करनी पड़ेगी, एसटी एससी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए ₹300 नॉन रिफंडेबल फीस आपको पे करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप डेट ऑफ एग्जामिनेशन जल्दी ही अनाउंसमेंट किए जाएंगे। बात करेंगे यहाँ पे जनरल कंडीशन एंड क्वालिफिकेशंस के बारे में। गाइज, सबसे पहले हम लाइब्रेरियन के क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। गाइज, जो इसके लिए एज है 35 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। इसके लिए मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस से आपने किया हो, इंफॉर्मेशन साइंस से आपने किया हो, डॉक्यूमेंटेशन साइंस से आपने किया हो या फिर इक्विवेलेंट आपने कोई प्रोफेशनल डिग्री की है, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड यहाँ पे अच्छा होना चाहिए और यहाँ पे कंप्यूटर की नॉलेज भी और लाइब्रेरी की नॉलेज आपको होनी चाहिए। सेकेंड केस में आपने नेशनल लेवल टेस्ट क्वालिफाई किया हो NET, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और गाइज, यहाँ पे PhD आपने की है या PhD से अवार्डेड है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। PhD के रिगार्डिंग यहाँ पे बहुत सारा क्वालिफिकेशंस है, वो आप इसके नोटिफिकेशन में देख लेना अगर आपने PhD की है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी में किया है तो आपको फर्स्ट प्रिफ्रेंस दिया जाएगा इन वैकेंसीज में सिलेक्शन होने के लिए। एक्सपीरियंस यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ऑफिसर अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट या PSU कंपनी में आपने काम किया हो या फिर कोई MNC कंपनी में, यूनिवर्सिटी कॉलेज में आपने काम किया हो तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। 7 ईयर का एक्सपीरियंस, 3 ईयर का एक्सपीरियंस, यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ग्रेड पे आपका होना चाहिए इन वैकेंसीज के अप्लाई करने के लिए। जॉब रिक्वायरमेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो, जॉब में सिलेक्शन होने के बाद आपकी पोजिशन क्या होगी, आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा। यहाँ पे 1 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। गाइज, जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा वो एक्सटेंड होगा ही होगा क्योंकि यहाँ पे जो वैकेंसीज आई है परमानेंट बेस के लिए वैकेंसीज आई है। बात करेंगे सेकंड वैकेंसीज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, इसके लिए 35 साल से नीचे एज होनी चाहिए। यहाँ पे गुड एकेडमिक रिकॉर्ड आपका मास्टर डिग्री में होना चाहिए, 55% से ऊपर आपके नंबर होने चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस सुपरवाइजरी का आपने किया हो और ग्रुप बी की पोस्ट पे आप होल्डिंग है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सेकंड केस में आपने LLB, MBA, CA, ICWA, MCA और MPhil, PhD क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे इसका भी सेम 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, परमानेंट बेस के लिए वैकेंसी जाइए, कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सटेंड होना ही है। यहाँ पे कुछ जनरल कंडीशन दी गई है, वो आप इसके नोटिफिकेशन में पढ़ लेना, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर की बात कर लेते हैं, 30 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर में आपने किया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस की यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स नहीं है, आपका जो एग्जामिनेशन बेस के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा। 1 साल के लिए यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके बाद परमानेंट बेस कर दिया जाएगा। असिस्टेंट की बात करेंगे, 30 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया है डायरेक्ट, आप अप्लाई कर सकते हो, कंप्यूटर नॉलेज होनी जरूरी है। ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट के लिए, 27 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। इसके लिए 10+2 क्वालिफिकेशन है, आप अप्लाई कर सकते हैं।
टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश एंड 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी कंप्यूटर पे है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एमटीएस लाइब्रेरी की बात करेंगे, 30 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए, 10th पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे लाइब्रेरी साइंस एंड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर कंप्यूटर में है सेकेंडरी लेवल बेसिक कंप्यूटर सर्टिफिकेट, तो आपको फर्स्ट प्रीफ्रेंस मिलेगा वैकेंसीज में सिलेक्शन होने के लिए। एमटीएस कंप्यूटर लैब की बात कर लेते हैं, 30 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए, 10वीं पास है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। कंप्यूटर की नॉलेज है या बेसिक कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सेक्शन सी स्किल टेस्ट की भी हम बात करेंगे। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर होगा। आपके दो पेपर होंगे, पेपर वन एंड पेपर टू, दोनों में ही 45% पासिंग मार्क्स होने जरूरी है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी के लिए 40% मार्क्स होने जरूरी है और एसटी एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 35% मार्क्स होने जरूरी है। क्वेश्चन पेपर के लिए आप यहाँ पे पढ़ सकते, यहाँ पे एप्लीकेंट्स के लिए कुछ जनरल कंडीशन दी गई है। जनरल कंडीशन में कुछ नहीं होता है, बहुत लंबी चौड़ी कहानी होती है, वो आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो कि एक्स सर्विसमैन को क्या कैसे अप्लाई करना है। बस यही सब कुछ दिया होता है कि आपको इंटरव्यू और टेस्ट में कोई डीएटीए नहीं मिलेगा। जनरल कंडीशन को पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है गाइज, एक फॉर्म है इसी नोटिफिकेशन के नीचे, एक फॉर्म है वो आपको डाउनलोड करना है, ये आपका फॉर्म, और एक 500 रुपए का डीडी या 400 का 300 का जैसे ऊपर बताया डीडी बनवा के आपको इस एड्रेस पर भेज देना है। गाइज ये रही पूरी वैकेंसीज की डिटेल, फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।